एनसीसी भर्ती परीक्षा 2023 क्विज टेस्ट 2 कौन बनेगा आज का विनर। टोटल 10 क्वेश्चन है, 5 मिनट का टाइम होगा, पूरा टेस्ट दीजिएगा। जो लोग नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और डेली सुबह में और शाम में 8 बजे लाइव क्लास होती है, टाइम से कीजिएगा, और प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के टेस्ट। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है 16 दिसंबर को, बी 24 जुलाई को, सी 26 जुलाई को, या फिर डी 26 दिसंबर को। टाइम शुरू हो चुका है। वेन वी सेलिब्रेट कारगिल विक्ट्री डे, क्या होगा? चलो जल्दी, गुड जोश, टाइम इधर चल रहा, चलो टाइम अप। तो कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाते हैं, ऑप्शन सी वाले सही है। सेकंड, हमारे शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 80%, बी 50%, सी 60%, या फिर 70%। टाइम शुरू हो चुका है। परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, क्या होगा? 80%, 50%, 60% या 70%। टेस्ट पूरा देना है, ठीक है, चलो टाइम ऑफ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 70%। थर्ड, WHO का पूरा नाम लिखे। ऑप्शन है वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी वर्ल्ड हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्थोडॉक्स। टाइम शुरू हो चुका है। फुल फॉर्म ऑफ WHO क्या होगा? जल्दी, गुड जोश, चलो टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी वेंकैया नायडू, या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। टाइम शुरू हो चुका है। हु आज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और जो लोग नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, चलिए फास्ट, टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, बी केरल, सी उत्तराखंड, या फिर दिल्ली। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है भारत में, सबसे मैक्सिमम लिटरेसी रेट किस से सेट किए, लिमिट टाइम में आंसर, जल्दी, चलिए टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। क्वेश्चन नंबर 6, 2021 ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता? ऑप्शन है मीराबाई चानू ने, बी नीरज चोपड़ा ने, सी PV सिंधु ने, या फिर डी लोवलीना बोरगोहेन ने। टाइम शुरू हो चुका। 2021 ओलंपिक में भारत को पहला मेडल किस खिलाड़ी ने दिलाया था, ये बताना, गुड जोश, चलिए जल्दी से सभी लोग टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल दिलाया था 49 kg वेट लिफ्टिंग में। 7, भारत की राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं। ऑप्शन है कबूतर, बी बाज, सी मोर, या फिर डी तोता। टाइम शुरू हो चुका। राइट द नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, क्या होगा? इतना हार्ड क्वेश्चन है, देख रहे हो, जल्दी से, चलो टाइम अप। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राजकीय प्रतीक क्या है? ऑप्शन है अशोक चक्र, बी तिरंगा झंडा, सी अशोक का पेड़, या फिर अशोक स्तंभ। टाइम शुरू हो चुका। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया क्या है? और प्ले स्टोर से आप लोग तेजस NCC आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, जल्दी से बताएं, चलो टाइम अप। तो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, अशोक पिलर, डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? ऑप्शन है जन गण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा, या फिर डी ए मेरे वतन के लोगों। टाइम शुरू हो चुका। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया कौन सा है, चलिए फास्ट, क्या होगा? सबका सही होना चाहिए, गुड जोश, चलो टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है श्री राजनाथ सिंह, बी श्रीमती निर्मला सीतारमण, सी सरदार बलदेव सिंह, या फिर डी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। टाइम शुरू हो चुका। आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, फिर आप कमेंट करके बताएंगे कितना सही किया। चलो जल्दी, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चलो टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सरदार बलदेव सिंह थे। किसका कितना सही हुआ और विनर कौन है, 10 में 10 किसका है, जल्दी कमेंट करें। एक अटेम्प्ट में वही 10 में 10 होगा, ठीक है, सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। बाकी चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे
वेलकम पेस्ट कर देंगे। डेली सुबह शाम 8 बजे लाइव क्लास कीजिएगा और टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल क्विज टेस्ट में सुबह 7 बजे। अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।